कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, आज का क्लास सेमी है, बहुत ज्यादा तक नहीं हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, सेल्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम का कुछ फिगर नहीं था, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बोल दिया है, वहां पर कैरिजिंग वर्ड ऐड किया और माइनस किया, क्या परचेज रिटर्न। एम्प्लॉय में क्या है, एम्प्लॉय में सर है सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, इंटरेस्ट ऑन लोन बोल के कछु नहीं है, डेप्रिसिएशन में है, सब कुछ है डेप्रिसिएशन में। फर्नीचर एंड फिटिंग 20,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 1,23,000 के ऊपर 15,000 कितना बोलो तो 18,450 के ऊपर 15% 18,450 और फर्नीचर फिटिंग्स का 20,000 था, यस सर, तो टोटल हुआ कितना 20,450 amortization of patent, patent amortization कितना सर 4,000 over 4 years, 1/4, how much बेटा 1,000, 1,000 तो total 21,450 बहुत कुछ आता है, रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट भी है 800, सन्ड्री एक्सपेंसेस 8,250, सन्ड्री एक्सपेंसेस 8,250, 8,250, हाँ बोलो क्या बोलना चाहते हो, रेंट कितना 5,000, चलिए रेंट है 5,000, आउटस्टैंडिंग रेंट है 1,200, नहीं सर 800, ओ ऐड आउटस्टैंडिंग 800, कितना हुआ 5,800, sundry expenses 8,250, उसके बाद rent sundry expenses हो गया, PL interim dividend dividend provision for bad debt, very interesting होगा ये, provision for bad debt, new कितना करना पड़ेगा 5% on debtors 26,200, 26,200, into 5%, बोलो तो कितना 1,310, less
ओल्ड प्रोविजन ओल्ड पीबीडी आई थिंक 2000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके फिगर नेगेटिव में आएगा. Yes, sir. 1310 minus 2000. 690 negative. Okay. Or coach? No. Managerial remuneration hai? No. Managerial remuneration nahi hai. सर इश्यू एक्सपेंसेस वो तो रिटर्न ऑफ नहीं बोला है. प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रहेगा तो रिटर्न ऑफ बोले ना बोले उसको इमीडिएटली AS 26 अनुसार राइट ऑफ करना पड़ेगा. बोलो कितना आता है. 13,360 सॉरी 13,360. Yes, sir. 13,360. Total expenses, bolo. टोटल एक्सपेंसेस 2 lakh. अच्छा तुमने माइनस करके बोला था तो अभिषेक 690. जी सर. 246,050 माइनस 18,000 माइनस 36,200 2,99,060. Lakh 99,060. Profit before tax 1,04,940. 1,04,940. খুলে দাও ছেড়ে দাও লাইন আছে না ওখান থেকে বন্ধ করো টেনে দাও ওখান থেকে সিস্টেম বন্ধ করো লাইনটা টেনে দাও. পুরোটাই খুলে দিন ওটা এমনি ভাবে ফলস লাগানো পুরো ফ্রেমটা ধরে খুলে দিন বলো. प्रॉफिट टैक्स का परसेंटेज 30% ना कितना टैक्स रेट. हाँ 30% थर्टी परसेंट हाउ मच ऑन 104,940 31,482 Profit after tax. Okay. 458. Okay. Yes, sir. अब बैलेंस शीट में आना पड़ेगा. शेयर कैपिटल 1 lakh. अच्छा शेयर कैपिटल 1 lakh. 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इच फुल्ली पेड 1 lakh. सर यहां पर तो 10 इच नहीं बोला मैंने, अज्यूम कर लिया है.
1 lakh. हाँ अब आएगा मजा पीएल का. पीएल का स्टेटमेंट ऑफ पीएल का ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा? 25,000. बहुत कुछ होगा देखना पड़ेगा यहाँ पर. 25,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 73,458. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000. कहाँ ये देखिए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000. अच्छा यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड जो हो चुका है उसका रिलेटेड टैक्स एंड इंटरिम डिविडेंड ये दोनों हम लोग माइनस करेंगे, लेकिन जो प्रपोज डिविडेंड हुआ है उसको नोट्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे. जब तक वो फाइनली पेमेंट नहीं होता है उसका एंट्री नहीं होगा. प्रपोज डिविडेंड का एंट्री इसलिए नहीं होता है, लेकिन इंटरिम डिविडेंड वेरी इंपॉर्टेंट 100% याद रखना. इस बार तुम लोगों का फाइनल अकाउंट में इंटरिम डिविडेंड आएगा ही आएगा. 1,645,1,645,1,645. बोलिए कितना पीएल आएगा? 78,813. Agree? General Reserve opening at transfer opening कितना? 10,000. Opening 3,000. 10,000 प्लस 13 टोटल जनरल रिजर्व ओपनिंग 10,000 है सर. ओपनिंग 10,000 प्लस ट्रांसफर भी 10 ही है. ओपनिंग रिजर्व जनरल रिजर्व 10,000 ट्रांसफर भी 10,000 ही है. तो कितना हुआ? 20,000. Agree? चलिए और कुछ लोन यहाँ पर जितना तक मेरा आइडिया है लोन कुछ नहीं है. क्या क्या है आप ट्रेड पेबल्स? इसके लिए नोट क्यों?
कारण है ट्रेड पेबल्स ट्रेड पेबल्स क्या है ट्रेड पेबल्स बोलो जल्दी क्रेडिटर्स सर 15,500 और एक आइटम है बिल्स पेबल पेबल क्रेडिटर्स का अमाउंट बोलो 15,500 और बिल्स पेबल का अमाउंट 4,000 टोटल बिल्स पेबल का भी तो क्रेडिट ही लेंगे ना सर क्रेडिट साइड बैलेंस ऑब्वियसली बिल्स पेबल तो यूज नहीं है 19,500 other current liabilities outstanding salaries outstanding rent I think jitna tak mera memory de raha hai 800 and 1200 right or wrong sahi hai sir kitna 2000 2000 other current liability 2000 provision for tax 31480 old kuch nahi hai 31480 tangible intangible done chaliye लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है प्लांट एंड मशीनरी 1,23,000 डिप्रिसिएशन कितना 18,450 माइनस करने के बाद 1,04,550 ये कितना है 20,000 डेप्रेस 2000 करने के बाद हाउ मच 18,000 टोटल 1,22,550 ये था टेंजिबल कैटेगरी इंटेंजिबल सर लेस तो डिप्रिसिएशन लिखी उसमें से ओ कल भी नहीं लिखा डिप्रिसिएशन इंटेंजिबल क्या है पेटेंट लेस अमोर्टाइजेशन amortization 4,000 sir patent patent kitna 4,000 amortization 1,000 total1,22,500
1,22,550 1,22,550 1,22,550 and 3,000. Yeah. Inventories. Finished stock. Kitna finished stock? 98,000. Trade receivables mein karna padega? Ji sir. ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स कितना 26,200 अच्छा प्रोविजन फॉर बैड डेट न्यू सिर्फ न्यू लेंगे 26,200 इनटू 5% 1,310 यस सर तो नेट कितना आएगा प्रेजेंटेशन में 24,890 add bills receivable kitna 1,355 1,365 अब 1,000 सर आप 1,00,000 कर दिए चलो जी कितना आएगा पूरा टोटल से 26,245 कैश एंड इक्विवेलेंट में कैश एंड बैंक कुछ है ना नहीं है नहीं है सर 100% मैंने कुछ मिस किया है कैश बैंक मिसिंग एक फॉर्म में आओ देखें तो कैश बैंक नहीं है तो कैश बैंक नहीं लिखेंगे चलिए और कुछ है ना तो सर अगर कैश बैंक नहीं है एडवांस टैक्स नहीं है नहीं लिखेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड बैंक नहीं है तो नहीं लिखेंगे देखो कितना मिसमैच ओ ओ हो 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 एक आधार करंट एसेट करंट एसेट्स इश्यू एक्सपेंसेस कितना issue expenses 2000 issue expenses okay aur kuch nahi hai total karo sir cash and bank hoga kyunki difference hai credit side ka balance ha credit side ka balance jo hai sir kam hai thoda right side ka हो गई नहीं ऐसा नहीं हो सकता है 2,52,500 ठीक है बोलो डिफरेंस में बैठा देता हूँ अच्छा कैश एंड बैंक कैश एंड कैश एट बैंक बोलो 2,52,500 ये क्या लायबिलिटी साइड का फिगर है
1,98,813 plus 19,500 plus 2,000 plus 31,480 2,51,793 मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है 73,484 कैसे आया 104,940 इंटू 30% 31,482 73,458 ओ ठीक है तो प्रोविजन फॉर टैक्स 31,482 चलो यहां पर देखते हैं 122,550 प्लस 3,000 प्लस 98,000 प्लस 26,245 प्लस 2,000 251,795 कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट था ही नहीं यूनिक ठीक है देखो एक नोट्स टू अकाउंट्स देना पड़ेगा वो मैं तुमको दे देता हूं Notes to account. अच्छा वो तो है ही Proposed dividend. Dividend. Proposed dividend. 10% on 1,00,000. How much? 10,000. 10,000 plus. Dividend distribution tax. Dividend distribution tax. Kitna percentage? 20.56%. Two. 056 12,056 total sir dividend distribution tax आप किस पे लिए हैं sir dividend के ऊपर 10,000 के ऊपर इसका कोई एंट्री नहीं होगा सिर्फ डिस्क्लोज्ड सर ये 0.8 होगा या 7 होगा सर प्रपोज्ड डिविडेंड इज नॉट टू बी एडजस्टेड to the PL account, to the PL balance. Okay, because it's a non-adjusting event. As it is non-adjusting event. Okay? और कुछ चलिए पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ बाय द वे आप लोग चाहे तो मैं रादर करूंगा भी आज पूरा ही आप एक लाइन में दे दीजिएगा
कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अलग अलग का जरूरत नहीं है। सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन उमा ये गया कहाँ? मुझे प्रपोज डिविडेंड का किया बेटा 0.7 में सर। 7 है सर। ये बाबा सॉरी लास्ट में होना चाहिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है। चलिए आते हैं नोट्स नंबर लिखते हैं सेल्स के लिए 1 रॉ मटेरियल के स्टॉक परचेस के लिए 2 इसके लिए 3 एम्प्लॉय के लिए 4 फाइनेंस के डेप्रिसिएशन के लिए 5 अदर एक्सपेंसेस के लिए 6 शेयर होल्डर के लिए 7 रिजर्व सरप्लस के लिए 8 ट्रेड पेबल्स के लिए 9 अदर करंट लायबिलिटी के 9 अदर करंट लायबिलिटी में मेरा 2000 क्या था बोलो तो ओ हाँ 10 आउटस्टैंडिंग वेजेस और ये प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए कुछ नहीं लगेगा 11 12 आई थिंक नोट एक बार चेक कर लीजिए कि मैंने ठीक लिखा है और नहीं ठीक है चलिए